अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज विकी। नाज़रीन, कसूर के एक नवाही गांव खरेपड़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। शराफत नामी एक लड़के की शादी होती है। शहजादी नामी वो लड़की है जिसके साथ उसकी शादी होती है। शादी की पहली रात ही खुशियों वाला घर मातम में तब्दील हो जाता है। घर वालों का ये कहना था कि इसकी मौत जो है वो जनरेटर के धुएँ से वाकया हुई, लेकिन आज मेरे साथ वो शहजादी का भाई मौजूद है। हकीकत क्या है, उनसे आज बात करेंगे कि ये नए नवेली जो शादी थी वो मातम में तब्दील होगी, क्या ऐसी वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। क्या नाम है जी? इमरान। हाँ, मुझे ये बताएं, शराफत आपका क्या लगता है? मेरा मामे का बता है। तो जो शहजादी थी वो आपकी क्या? मेरी बहन है। शादी की पहली रात उनकी मौत वाकया हो जाती है, खुशियों वाला घर मातम में तब्दील हो जाता, क्या ऐसी वजह बनी? वजह मैंने तो ये मैं उधर नहीं सहेगा, मैं तो शराफत जो जान चढ़े हाँ, क्योंकि असी उन जान भरा बन के चढ़े हाँ। सब तो पहले साढ़ा वो भरा सी, असी उन्होंने भरा बन के उन जान चढ़े हाँ, सारे भरा रल के। बाद मैं दुकान से वापस, क्योंकि सारे दुकान से साढ़े मुंडे उन्होंने ब्याह का शराफत नहीं कहवा, मैं अपने भरा ही जान चढ़नी, मेरा भरा कला है। तो यह ना आख्या भी मेरा भरा कोई नहीं है। जंज चढ़े हाँ तो मैं शराफत जो असं हाल के अंदर गए ना, साढ़े घर जो गए तो मेरी मजबूरी, मैं दुकान से वापस आ गया। मैं कहा चलो हूँ सुबह जावा था, तो मैं काम मजबूरी, क्योंकि सारे मुंडे शराफत ने उस तो पहले जनरेटर मंगवाया, असं 9 बजे जो बत्ती गई बाहर, जनरेटर चलता रहा तो शराफत ने ना बाद नेरी तो बारिश आ गई, तो जनरेटर ना शराफत ने चौकी अंदर रख लिया, जनरेटर बंद हो गया। उस तो बाद शराफत गया बाहर, बाहरों मेरा मामे का पुत्र तो शराफत ना दोवें गए ने दुध लैन, दुध लै के आए ने 12 बजे, 12 बजे उन्हें दुध लिया, तो लिया के ना किसे घरों सिलेंडर भी लिया चुके उन्हें, मैंने ना उन्हें आपकी माँ को लिया के फड़ाया भी मैंने दुध गर्म कर दियो, उन्हें दुध गर्म करके दे दिता है। उस तो बाद 12 बजे ना 12:15 मिनट लाइट चली गई, जनरेटर फिर चल पाया। शराफत ने फोन किया, आपकी भैन सक्की जी, दो भैन शराफत दखियां ने, उन्हें आपकी भैन ने फोन किया भी मैंने ना पानी दियो। तो शराफत की भैन दोवें इसे पिंड बीजे ने, एक मेरी भरजाई है तो एक मेरे मामे घर बीजी, उन्हें फोन उन्होंने किया है, उन्हें अगों किया तो प्यो ने फोन बबू शराफत ने पानी दो, अगों की माँ ने ज भैन, मैंने ये दसया गया भी माँ ने चुकया, हूँ कल ये पता लगे उनकी भैन ने, चलो भैन ने ही चुकया, उन्हें चुके ना तो शराफत ने अंदर ना पानी दिता है, पानी दिता उन्हें दोवे मावं ने माँ धियां ने पानी दिता दे के ना। उस तो बाद शराफत ना दरवाजा बंद कर लिया, जनरेटर चलता पाया। उस तो बाद 1 बजे उनका प्यो आता, मैं समान छड के आया तो जनरेटर बंद है भी बंद होया मेरे कोल। उस तो बाद मेरा भरा आता भी मैंने शराफत 2 बजे फोन करता रहा, तो मेरा भरा सुता पाया सी, उन्हें नहीं चुकया। और सुबह जो सुबह मेरी मासी उठी है, जी मेरी मासी शराफत की पुफी, उन्हें उठ के ना दरवाज़ा खड़काया, तो दरवाज़ा खड़का के तो उन्हें खड़का दी रही नहीं, शराफत उठे दोवें जी नहीं उठे, उन्हें दरवाज़ा खड़काया 5 बजे तो दोवें जी नहीं उठे, तो उन्हें फिर मासी मेरी धक्का मारिया तो उन्होंने दरवाज़ा खुल गया, मैं कोल नहीं सहगा वेख्या, तो दोवें जी फौत हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं शराफत काम क्या कर? मेरे नाल तंदूर से काम करता। कोई शोर शराबा कोई इस तरह की चीज़ नहीं सामने आई? नहीं नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं आख्या भी शराफत ने रोला पाया, किसी ने नहीं ऐसी कोई गल की भी शराफत ने दरवाज़ा खड़काया, कुछ भी नहीं, ना दरवाज़ा खोलिया शराफत ने, कुछ भी नहीं किसी ने किया। शराफत का किसी के साथ कोई झगड़ा कोई लेन देन? शराफत रिश्ते में आपका क्या लगता? मेरा मामू का बेटा है। शराफत का किसी नाल भी झगड़ा नहीं, किसी ना उन्हें तो बच्चे बच्चे नाल ही प्यार पाया सी, बच्चा बच्चा जो शराफत मेरी भैन फौत हुए ने, उन्हें बच्चा बच्चा रोया। खुला है अंदर दोनों लाशें, आपकी बहन की और शराफत की, जो आपके मामू का बेटा है, उनकी दोनों की लाशें जब देखी गई तो फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी, बाद अस्पताल मैंने इन्हें फोन किया कि अस्पताल लै के लगे ने, मैं उदो दुकान का ना छड़ चुक के, तो मैं पेड़े वालदा पाया, तो मैंने फोन किया जी अभी शराफत ने दोनों लै के लगे ने, वह फौत हो गए ने, तो मेरे यकदम ऐसी पैरों की जमीन निकल गई, मैंने होश ही ना भी मैं जावा किधर, किमें हो सकता, मैंने नहीं यकीन आया। फिर मैं मामू ने फोन किया भी मामा एवें गल, उन्होंने कहा वाकई एवें गल है, तो असं लै के लगे ने शराफत अबू ने, मैं फोन किया, पहले मेरे भरा ने मैंने फोन किया, असं व्डे ने। तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया? मेडिकल तो असं कराया ही नहीं था, वो डॉक्टर ने चैक किया, तो चैक करके डॉक्टर ने यह गल की है भी हाँ जी ये तुसी तुहाडे घर की ऐसा होया, तो उन्हें दसिया भी शराफत ने अंदर जनरेटर रखिया सी, तो जनरेटर उन्हें रखिया सी तो उन्हें वहीं तो वापस ना दोवें जी फौत हो गए ने। उन्हें कहा जी तुसी पोस्टमार्टम कराना है, तो मेरे मामू ने भी मेरी मम्मी ने भी कहा जी पोस्टमार्टम नहीं कराना, साड़ा कोई दुश्मन नहीं है। आपके मामू की कितनी शादी हुई? पहली शराफत जी सक्की माँ है, वो आज तो 18 साल पहले फौत हो गई सी, उस तो बाद वाली शादी में शराफत दी 4 भैन ने, पहले शराफत 2 भैन थे 1 शराफत है, आ दूसरी शादी है मेरे मामा। तो मेडिकल आपने अपनी मर्जी से नहीं करवाया? नहीं जी,
आदि मर्जी नाल ही निकला। कितने दिन हो गए अब आपने क्या लाए मल अपनाया? तो मेरा तो पहले दिल तो नहीं जी मुतबे ने गा, मैं आदि माँ आता सामी आपा ना पोस्टमार्टम करा के ना तो फिर आपा भैन दफनावना है, उन्हें नहीं दिल मानता ना करवा। आप करा लिए एक भी करा लिया तो दोवों का सामने आ जाना, क्योंकि दोवों ने एक ही शायद दी गई होनी जिंदी वहीं तो दोवें यकदम फौत हो गए ने। एक जब उन्हें एक शायद दी जाती एक फौत हों, दोवों ने एक एक का भी पोस्टमार्टम हो गया तो वो गल है तो दोवों का भी हो जाता। यही गल मेरी माँ ने कहना पुत्र मैं ये काम नहीं करना। फिर आपने मुझे ये बताया अब आपने क्या किया है? मैं एप्लीकेशन दी आदि भैन की, क्योंकि शराफत की तो मैं करा नहीं सकता, शराफत की भैन किस चीज़ की एप्लीकेशन? कवर खदाई नहीं, मैं कवर खदाई करावाना तो दुनिया को दसागा भी वाकई ही जनरेटर नाल फौत होए ने, जां जहर दी गई भी आवन वाली साड़िया नस्लों पता लगे भी जनरेटर एक खतरनाक शाय हैगी है, भी पता चले दुनिया को भी जनरेटर भी घर रखना नहीं चाहिए। आप आला अफसरान को डीपीओ कसूर को जो इंतजामी है उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं डीपीओ ने यह कहना चाहना भी साडा जल्द तो जल्द भी एक्शन लिता जाए, भी सानू जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाए, क्योंकि मेरा दिल कह रहा भी ये रातों दिन ना चढ़े सानू इंसाफ मिले। मैं ये नहीं कह रहा भी मेरा कोई दुश्मन, मैं ये दुनिया को दसना चाहना भी वाकया ही किस गल नाल उन्हां दी मौत हुई है, की वजह बनी है, की ऐसा वाकया होया है भी जिहड़ी उन्हां दी मौत हो गई। मैं ये नहीं कह रहा भी फलाने ने जहर दी, नहीं, मैं ये कहना चाहना भी मैंने पता चले भी होया की उन्होंने। जी नाजरीन, आपने इस भाई की बात सुनी जो शहजादी का भाई था, शराफत इसके मामू का बेटा था, जिनकी शादी होती है पहली रात उनकी डेथ हो जाती है। इस भाई का कहना है कि मुझे पहले दिन से ही शक था, मैंने एक एप्लीकेशन गुजारी है कब्र कुशाई के लिए, मेरी आला अफसरान से, डीपीओ कसूर से यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विक्की को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।